हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी होगा ये आपको चेकअप करना है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना है। क्वेश्चन कहता है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3 ये तब होगा जब एक्स बराबर 2 होगा। दूसरी बात कहता है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3 तब होगा जब एक्स का मान जो होगा ना 2 से छोटा होगा। दूसरी बात एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तब होगा वैल्यू जब एक्स का मान 2 से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन को एक लाइन के माध्यम से ड्रॉइंग करते हैं। सर्वप्रथम सॉल्यूशन, एक लाइन हमने ले लिया, इस लाइन के माध्यम से आपको पूरा इक्वेशन को अरेंज करना है। यदि एक्स बराबर, क्वेश्चन कहता है यदि एक्स बराबर 2 तो फंक्शन दौड़ता हुआ आएगा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3। आपको मालूम कि जब इक्वल हमने एक्स बराबर 2 माना तो इधर जितना वैल्यू आएगा ये सारा का सारा वैल्यू क्या होगा 2 से बड़ा होगा, मतलब 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब बताओ x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा ना, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो x का वैल्यू 2 से बड़ा यही है ना, तो फंक्शन क्या होगा fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरी बात इधर जितना वैल्यू आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, माइनस 1 आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा 2, हम x का मान हमेशा 2 से छोटा होगा। रख के देखो यदि 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 तो 2 से छोटा हो गया 1, इधर देखना 3 रख के देखना तो 3 जो होगा 2 से बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो इसका नाम ग्रेटर देन, और जब छोटा होगा तो इसका नाम लेस देन। अब लेस देन के लिए वैल्यू कौन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3। अब ये क्वेश्चन आपको चेकअप करना है क्या कॉन्टिन्यूटी होगा। कॉन्टिन्यूटी होने के लिए हमने बताया था कंडीशन लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल, तीनों के तीन पार्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब चेकअप करते हैं। 9 लिमिट x टेंस टू, जिस मान से आपको चेकअप करना है एट पॉइंट x बराबर 2 तो 2 लेस देन फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लेस देन के लिए कौन सा वैल्यू, लेस देन तो यही होगा ना, लेस देन के लिए क्या होगा x क्यूब माइनस 3। अब इसको क्या करना है, लिमिट को x टेंस टू में कन्वर्ट करना है। लिमिट x टेंस टू 0 तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 माइनस h रखा जाएगा, तो 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था तो क्यूब रखा। अब क्या किया जाएगा, लिमिटेशन के वैल्यू को हटाया जाए, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ h का वैल्यू 0 रखा जाए, तो 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। अब देखना 2 माइनस 0 तो 2 ही बचेगा ना, तो 2 का क्यूब माइनस 3। अब बताओ 2 का क्यूब कितना होगा, 8 ही होगा ना, 2 गुना 2 गुना 2 तीन बार लिखा जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 इक्वल कितना 5। ये जो वैल्यू निकला लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स निकला। अब आपको चेकअप करना है ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगा, एंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अच्छा प्लस के लिए ग्रेटर देन के लिए वैल्यू यही होगा, तब बात किया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स क्यूब प्लस क्या 1, सॉरी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एच टेंस टू में कन्वर्ट करना है, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 रखा जाए। अब लिमिटेशन को हटाया जाए, जहाँ जहाँ h वहाँ वहाँ h के जगह पे 0 डाला जाए, तो 2 प्लस कितना 0 का क्या होल स्क्वायर प्लस 1। आपको मालूम है 2 प्लस 0 क्या होगा 2 ही होगा ना, अब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना 4 ही होता है, 4 प्लस 1 कितना 5। अब ध्यानपूर्वक देखना लेस देन के लिए वैल्यू कितना 5, ग्रेटर देन के लिए वैल्यू क्या 5, क्या दोनों पार्ट बराबर आया है, तब बात किया जाएगा
कि जब दोनों पार्ट बराबर हो जाए तब बोलना लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर कितना 5। दिस इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब आपको चेकअप करना है कि लेस देन निकाल लिया, ग्रेटर देन निकाल लिया, अब बचा आपका क्या, इक्वल है ना, तो अब इक्वल निकाल लिया जाए। इफ यदि x बराबर 2 मानते हैं तो देन तब क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर बन जाएगा x क्यूब माइनस कितना, माइनस कितना, माइनस 3। अब ध्यान पूर्वक देखना, यहां पर सॉरी माइनस 3 होगा, माइनस 3। अब ध्यान पूर्वक देखना, इधर x है तो इधर क्या बना, x ही ना, x क्यूब। अब x का वैल्यू कितना 2 है, तो यदि रख दिया जाए 2 रखते हैं तब तो बोलोगे ना 2 का क्यूब माइनस क्या होगा 3 होगा। अब देखना कि 2 का क्यूब कितना होगा, 8 ही होता है ना, 8 माइनस 3, अब कितना है 2 बराबर कितना 5। दिस इक्वेशन 2। अब ध्यान पूर्वक ये देखना है कि समीकरण 1 का वैल्यू 5 है और समीकरण 2 का वैल्यू 5 है, क्या दोनों इक्वेशन बराबर है, तब आपको बोलना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी गेट तीनों पार्ट बराबर आ गया, तो बोला लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या एफ टू। आपको मालूम है ये तीनों के तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, और जब इक्वल होगा तब आपको बोलना पड़ेगा क्या बोलना, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, किसके लिए, एट x बराबर 2 के लिए। और यही क्वेश्चन कहता था कि आप प्रूव करके देखा है कॉन्टिन्यूटी होगा या डिसकॉन्टिन्यूटी होगा।